डॉक्टर थे ये इन्हें कॉमन बेस एम्पलीफायर द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। अब देखो कॉमन ध्यान देना कि कॉमन बेस एम्पलीफायर है तो इनपुट और आउटपुट में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो एक काम करते हैं, एक बार आपको मैं बता देता हूँ इन तीनों में क्या होता है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों में इनपुट और आउटपुट में फेज का डिफरेंस हम बता देते हैं और मैथमेटिकली इक्वेशन आप इसको समझ लो। तो ये रहा इनपुट और ये रहा आउटपुट, ठीक है। तो अगर इसमें हमने ऐसे सिग्नल दिया और इसमें हमने ऐसे सिग्नल दिया और इस ट्रांजिस्टर में हमने ऐसे सिग्नल दिया, ठीक है, तो इसमें जो जो सिग्नल मिलता है कॉमन बेस में जैसा देंगे वैसे एम्पलीफाई होके मिलेगा, थोड़ा सा एम्पलीफाई होके मिलेगा और ये एम्पलीफाई होके उल्टा मिलेगा और ये एम्पलीफाई होके वैसे मिलेगा। मतलब इसमें जो फेज का डिफरेंस आता है वो ज़ीरो आता है, इनपुट और आउटपुट में जो फेज का डिफरेंस आता है पाई आता है और इसमें जो फेज का डिफरेंस आता है वो ज़ीरो आता है। मतलब अगर इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है तो इसका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए डैश साइन ओमेगा टी प्लस पाई आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए डैश साइन ओमेगा टी ही आएगा, केवल एम्पलीट्यूड एम्पलीफाई होगा इसमें और इसमें फेज चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें और उसमें घटाओगे तो फेज पाई का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑब्वियसली मेरे प्यारे बच्चों दैट इज पाई, डी ऑप्शन सही है। ब्लंडर क्या पूछा है, पूछा है कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस है तो फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट और कॉमन बेस दिया गया ना, तो कॉमन बेस में फेज डिफरेंस जीरो, ए ऑप्शन सही है। तो ये जो पूरा लेक्चर है आप आई होप कि आप देखे होंगे, जितने भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व किया हूँ वो सारा अगर कर लोगे, समझ लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे नीट के जो क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली हो जाएगा। तो बहुत सारा मतलब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और इसमें मैंने बहुत मेहनत किया हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क किया हूँ। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करो और अपना फीडबैक, और तुम्हारा फीडबैक और सपोर्ट ही तो सब कुछ है यार। अगर मैं कंटेंट बना रहा हूँ और अगर को लोग आते हैं देख के चले जाते हैं बहुत, हम लोग सब्सक्राइब करते हैं भाई अपना काम मतलब अगर निकल गया तो फिर लोग ये लोग ये नहीं सोचते हैं यार ये कितने मेहनत से बंदे ने कंटेंट बनाया होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी चीज़ें डोनेट कर रहा है, कितनी चीज़ें लोगों को दे रहा है, कितने बच्चों का भला हो रहा है। यही डाउट जब हम कोचिंगों में पूछने जाते हैं तो जल्दी जल्दी में ऐसे निपटा देते हैं और फिर वहाँ समझ में नहीं आता, हम अपने पूछ भी नहीं सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करो और मेरे साथ जुड़े रहो और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, मोटिवेटेड रहो, अपना ख्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।